नवे चुने गए प्रधान जी उन्होंने समुची टीम सरदार सुखदेव सिंह पटवारी जी ईसाई साहब उन्होंने सारी टीम जी टीम जी उन्होंने संभालिया गया उन्होंने सारे बहुत बहुत मुबारकबाद एक नवी टीम जी दो साल चुनी गई है और मैं समझता प्रेस के लिए पत्रकार भरावान के लिए बेहतर जोड़ा है आने वाले समय के काम कर चीमा साहब हम सवाल यही है तुम वित्त प्रभावित मंत्री हो पूरे मंत्री हो तो एक सवाल यह है कि एक तो सवाल ये उठ रहा कि जोड़ा वर्ल्ड बैंक तो अपन लोन लेना पे वो की जरूरत पड़ी दूजा तुमने सरकार के विस्तार में लैके उस टाइम कई वादे किए कि सुधार किए जा रहे हैं सुधार होए भी परंतु कितने ना कि कमियां करके वापस होने का कारण क्या है। देखो लगातार छः महीनों दौरान बड़े जोड़े सुधार ने गे वो सरकार कर रही है पहले छः महीनों दौरान जिन्हें साढ़े वादे से जिन्हों वाद लैके पंजाब के लोगों ने सानू सत्ता सौंपी सी जिन्हों वाद करके असी जी पंजाब सरकार बना कामयाब आम आदमी पार्टी हुई सारे वाद्या के उत्ते सरकार जी लगातार काम कर रही है साडा वड्डा पहली गरंटी सी पंजाब के लोगों कि असी 300 यूनिट पंजाब के लोगों को घरेलू खपत के उत्ते बिजली मुफ्त देवे वो असी वादा 100% असी पंजाब के लोगों ने पूरा किया और दूजा बड़ा वादा सीगा कि जेकर साडे सैनिक साडे फौजी भरा सरहद के उत्ते शहादत का जाम भी जदले तो असं उन्होंने एक सहायता राशि सन्मान राशि जी वो बधा के 1 करोड़ रुपया करा तो असं फैसला जरा विदिन 6 महीने के लागू कर सकते हैं। पहली बार होया गया 6 महीनों दौरान 26,454 नवी पोस्टा जो साढ़े पंजाब के नवे नौजवान जो मुद्दे कुड़ियों के लिए उन्होंने लिए असं उन्होंने इश्तहार जारी किया कि भर्ती प्रक्रिया जी जारी हो चुकी है। पहली सरकार है जिन्हें विदिन 6 महीने में किसानों का कोई भी किसी भी किस्म का बकाया सरकार पर नहीं पेंडिंग और सारे बकाए जो पुरानी सरकार 5-5 साल क्लीयर होते विदिन 6 महीने में असी वो भी क्लीयर किए हैं। पहली सरकार है जिन्हें 6 महीनों के दौरान जोड़े बेरोजगार जोड़े ETT पास अध्यापक से दूजे अध्यापक से वक् वक् बल्कियों के अध्यापक से और जोड़े कच्चे से उन्होंने 9,000 कामयाब पक्के सो जे आउटसोर्सिंग वाले उन्होंने भी गल चल रही हैगी सो सारे जोड़े पॉजिटिव स्टैप ने गए विदिन 6 महीने जोड़े वो पंजाब पूरे हो रहे हैं। दूजी गल बी फेयर तुम्हें कहा गया वर्ल्ड को जोड़ा खर्चा गया सो बी फेयर एक स्कीम हैगी वर्ल्ड बैंक की स्कीम है सारिया स्टेटा वो तहत उतों उन्होंने 5 साल 10 साल 15 साल जोड़ा है लोन मिलता है ताकि असी अपने सूबे अपने सूबे के अंदर अच्छे पानी की पीड़ की मुहैया पानी पीड़ के प्रबंध कर सकी सो बहुत सारे होर प्रोजेक्ट ने पास किए हैं समय आने वाला एक कोई 1 लाख से लोन लिया गया यदि किस्तों लगे आने वाले समय से मिल गई मजबूत के सरसमति जी चुनी जाती है टीम इलैक्शन बाय इलैक्शन सॉरी सो हूँ मैं बेनती करा पंजाब सरकार वालों प्रधान साहब के वालों ये प्रेस क्लब के वो सारे फंक्शन असी दिते हुए ने पत्रकारा जेडे प्रिंट मीडिया के जा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सोशल मीडिया जो भी वो बैठ के अपनी न्यूज रिपोर्ट फाइल करना चाहते हैं वो उन्होंने सारिया वो सहूलत भी दिखाई हुई ने उन्होंने ये नाल रोटी पानी खाण पीन का सारा सिस्टम भी उत्ते रखा हुआ तो वधिया बैठा लिए उन्होंने 24 घंटे कुर्सियां सब कुछ उस तरह का समान प्रोवाइड किया जाता है AC वगैरह सारे कुछ उस तरह लगे हैं ताकि पत्रकारों को काम करने की कोई प्रॉब्लम ना हो। इस काम लिए असी पिछले लगातार सारिया सरकार जदोजहद करते आए भी देखो मोहाली जो शहर है ये इंटरनेशनल कौमांतरी नक्शे के उत्ते है बड़ी वड्डी इहदी प्रेस्टीज है मोहाली शहर की। पंजाब सरकार ने जदों भी कोई प्रोजेक्ट दिखाना कोई बाहरों आया NRI या कोई होर जिन्हें कोई इन्वेस्टमेंट करनी है सब तो पहला डेस्टिनेशन है जो मोहाली होंगे तो मोहाली के बाकी सारिया फैसिलिटियां तो सब कुछ होने के बावजूद इतने पत्रकारों के लिए बैठने कोई सरकार वालों दिता क्लब नहीं सारे शहर के खास करके जो कारपोरेट शहर ने कारपोरेशन वाले शहर ने उन्होंने कोई ऐसा शहर नहीं जिथे प्रेस क्लब ना हो सरकार उन्होंने प्रोवाइड ना किया हो पत्रकार उसे आराम बैठ के अपन रिपोर्टा फाइल कर सकते हैं पर एक मोहाली ऐसा शहर है जिथे ये प्रॉब्लम लगातार प्रसिस्ट करती है तो ये पर जेड़ी मतलब प्रॉब्लम है मैं इनू ये गल कहूँगा भी देखो
कई बार ना साढ़े ना एक गल की जाती है जी इतने तो भी प्रेस क्लब के दो ग्रुप ने तीन ग्रुप ने मैं कहना भी देखो कितने भी ये जो आप पिंड ना आप सारे पेंडू बंदे इतने आए हुए हैं जो किसी घर की माड़ी हालत होंगी है ना वो अड्ड होने बच्चों तक हड होना शुरू हो जाते हैं भी इन्हें गड़बड़ करती इन्हें गड़बड़ करती इन्हें खा गया ये कर गया ये हो गया पर इस तरह की जी